स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे दी ऑल न्यू जीप मेरिडियन के बारे में। तो जीप ने ऑफिशियली अपना टीजर जो है मेरिडियन एसयूवी का वो इंडिया में रिलीज किया है एंड दी अपकमिंग टीजर कंफर्म्स दैट द मेरिडियन नेम प्लेट ऑफ द व्हीकल एंड इट विल बी अ 7-सीटर एसयूवी। अब जैसे कि हम लोग टीजर वीडियो में देख सकते हैं कि जीप ने 7-सीटर एसयूवी को दिखाया है, लेकिन जो एक्सटीरियर है जीप का वो हैवी कैमोफ्लाज के अंडर है, तो वो बाहर के बहुत सारी डिटेल्स अभी हम लोगों को नहीं मिली है। अब स्पीकिंग अबाउट द जीप मेरिडियन, तो ये जो मेरिडियन एसयूवी है 7-सीटर, ये जो इंडिया में जो जीप कंपस मिलती है आपको 5-सीटर में, उसी का एक 7-सीटर वर्जन है। एंड द जीप मेरिडियन इट वॉज फर्स्ट लॉन्च इन द साउथ अमेरिकन मार्केट एंड उसका नाम वहां पर रखा गया था द जीप कमांडर। अब टीजर से हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो जीप मेरिडियन है वो काफी मिलती जुलती है जो फेस लिफ्टेड जीप कंपस है उससे, और तो और कंपनी ने सटल चेंजेस किए हैं इसके सामने की तरफ, जैसे कि इसको मिलता है एक स्लीक लुकिंग हेडलैम्प यूनिट जो कि गाड़ी को आगे से काफी स्पोर्टी लुक देती है और काफी एक बोल्ड लुक देती है। हाउएवर द वीडियो टीजर डज नॉट रिवील एनी इंटीरियर ऑफ द अपकमिंग जीप मेरिडियन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि पूरी गाड़ी कैमोफ्लाज्ड है, इनफैक्ट टिंटेड भी है, तो अंदर का इन्होंने कंपनी ने अभी तक कुछ दिखाया नहीं है कि क्या क्या फीचर्स मिलेंगे या फिर क्या क्या मिलेगा आपको जीप मेरिडियन के इंटीरियर में। हाउएवर सिंस द जीप मेरिडियन इज अ लार्जर व्हीकल एंड ये पोजिशन की जाएगी जीप कंपस के ऊपर तरफ, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो यूएस बेस्ड कंपनी है वो इंटीरियर को काफी अप मार्केट बनाएगी ताकि ये उनके प्रीमियम प्राइस टैग को जो है आसानी से मैच कर सके। अब जैसे कि बाहर की जीप कमांडर जो कि साउथ अमेरिकन मार्केट में रिलीज हुई थी, उसका जो लेदर है डैशबोर्ड पे वो रिप्लेस किया था बाय अ मोर प्रीमियम फीलिंग स्वेड ट्रिम एंड जो सीट्स हैं उसके वो रैप्ड थे ब्राउन लेदर और स्वेड अपोल्स्ट्री में। और इन एडिशन टू दीज चेंजेस द जीप कमांडर ऑल्सो गेट्स रोज गोल्ड एक्सेंट्स ऑन द लोअर सेंटर कॉन्सोल। अब इसके अलावा आपको एक 60-40 स्प्लिट भी मिलेगा जो है मिड रो के लिए, ताकि आप इजिली एक्सेस कर सके थर्ड रो को, तो अंदर बाहर जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए कंपनी ने इसको एक 60-40 रेशियो का स्प्लिट दिया है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो जो अपकमिंग जीप मेरिडियन है इट इज मोर लाइकली टू कम विद फीचर्स सच एज आपको मिलेगा एक 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसके अलावा आपको मिलेगा एक फ्लोटिंग 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट जो हाउस करेगा एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, उसके अलावा आपको मिलता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल एंड और कई सारे फीचर्स। अब सेफ्टी की बात करें तो जो जीप मेरिडियन होगा इट विल बी पैक्ड विद ऑल द नेसेसरी सेफ्टी फीचर्स, जिसमें आपको मिलेंगे मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, EBD, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS जो कि आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है एंड और कई सारे फीचर्स। अब हम लोग को ये भी लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है कि जीप कुड आल्सो ऐड द ADAS सिस्टम जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, एंड इसमें आपको मिलेगा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग एंड ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग का भी फीचर मिलता है। अब बात करते हैं इसके पावर ट्रेन की, तो जो जीप मेरिडियन है इट विल मोस्टली बी पावर्ड बाय अ 2-लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जिसमें आपको 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है। अब ये इंजन जो है प्रोड्यूस करता है अराउंड 200 BHP ऑफ पावर और ये मेटेड आता है जीप के ट्राइड एंड टेस्टेड 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो जीप मेरिडियन है वो 6 और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में आएगी एंड इसके साथ इसको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम एज स्टैंडर्ड भी मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का न्यूज? अगर न्यूज पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट देखने के लिए हिंदी ड्राइव स्पार्क को फॉलो करते रहिएगा।